हेलो गाइस, माय नेम इज शिबू मिश्रा। होप करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने फिलहाल में जो लास्ट वीडियो अपनी डाली थी वो थी IIIT दिल्ली के बारे में, जिसमें मैंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। उस वीडियो में IIIT दिल्ली के बारे में उसमें A to Z रिव्यू है कि उसकी क्या कटअप्स गई हैं लास्ट ईयर की, क्या प्लेसमेंट्स है, कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एवरीथिंग मैंने उसमें डिटेल में बता रखा है आपको। एंड JEE दिल्ली की काउंसलिंग जैसा कि आप जानते हैं अभी चल रही है, एंड उसमें 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, DTU, NSUT, IGDTUW, DSEU जो अभी नया जुड़ा है, एंड जो अपना लास्ट है वो है IIIT दिल्ली। तो मैंने JEE दिल्ली काउंसलिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखा है। उसके बाद मैंने बनाया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग के समय, फॉर्म भरते समय, तो उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। उसके अलावा मैंने DTU और IIIT दिल्ली इन दोनों पर ही वीडियो बना रखा है। जो रिमेनिंग 3 कॉलेज और बच रहे हैं, NSUT, IGDTUW और DSEU, उस पर भी जल्द ही वीडियो आने वाला है। एंड IIIT दिल्ली में एक कंसेप्ट है बोनस पॉइंट का, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि बोनस पॉइंट क्या है IIIT दिल्ली में, उसका हमें कैसे फ़ायदा मिलता है एडमिशन के समय, क्या JEE मेन में रैंक कम होने पे भी आपको बोनस पॉइंट से एडमिशन मिल सकता है अगर बोनस पॉइंट रहेगा, बोनस पॉइंट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने रहते हैं, किस चीज़ पर आपको बोनस पॉइंट मिलता है, मैक्सिमम कितने आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं बच्चों के मन में, सारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें, वीडियो को बीच में छोड़िएगा तो दिक्कत हो सकता है, आपका जो डाउट है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आप स्पीड बढ़ा लें, 2x कर लें, 1.25x कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपका डाउट क्लियर होगा। एंड अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट रह रहा है, देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो मैंने ले रखा है, ये PDF ले रखा है मैंने, ये कोई फेक नहीं है, चाहे मैंने अपने से नहीं बना ये किया हुआ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है JEE दिल्ली के, वहाँ से मैंने ले रखा है। एंड जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने मार्क कर दिया है पहले से। तो यहाँ पे देखने वाले हैं हम सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बोनस पॉइंट एट IIIT दिल्ली। तो पहले हम सब देखते हैं आपको मैक्सिमम बच्चों को मन करता है कि कितना आपको बोनस पॉइंट मिल सकता है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अप टू 2 बोनस पॉइंट्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स एज मेंशन बिलो। आपको मैक्स टू मैक्स 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं, 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड जो ये आपको पॉइंट्स मिलते हैं उसका जो सर्टिफिकेट होता है, जिस पे भी आपको पॉइंट्स मिल रहा है, मैं बताने वाला हूँ कि किस चीज़ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिस पे भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको चॉइस फिलिंग करते समय, जब आप JEE दिल्ली काउंसलिंग करते हैं, जब उसका चॉइस फिलिंग करते हैं, जब आपको फॉर्म भरते हैं, देन आपको अपलोड करना रहता है, वो डायरेक्ट वहाँ से वेरीफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा, जिसके बाद आपकी अलग एक मेरिट लिस्ट बनती है। जितने भी 4 कॉलेजेस हैं उसकी JEE मेन रैंक के बेसिस पे आपको जो कैटेगरी रैंक नहीं, जो आपका मेन रैंक होता है CRL रैंक, उसके बेसिस पे उनकी रैंक बनती है। लेकिन IIIT दिल्ली की JEE मेन की रैंक तो बनती है, प्लस जिन जो बच्चे बोनस पॉइंट के लिए एलिजिबल है उनके लिए अलग से एक मेरिट लिस्ट बनती है। तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। एंड अब हम सब देख लेते हैं कि किस किस चीज़ पर आपको बोनस पॉइंट मिलेगा। पहला यहाँ पर जो है वो है ओलंपियाड के ऊपर। अगर आपको नेशनल ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, नेशनल ओलंपियाड ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री एस्ट्रोनॉमी एंड बायोलॉजी, कोई भी नेशनल ओलंपियाड है, तो इसमें पहला पॉइंट है वो आपको 2 बोनस पॉइंट्स इफ द स्टूडेंट वाज सेलेक्टेड फॉर द समर ट्रेनिंग कैंप फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फाइनल टीम फॉर इंटरनेशनल ओलंपियाड। अगर आप इंटरनेशनल ओलंपियाड में समर ट्रेनिंग के लिए आप अगर सेलेक्ट हुए हैं, देन आपको वहाँ पर 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। एंड उसको आप चाहते हैं कि अगर आपको 2 बोनस पॉइंट्स मिले, देन आपको सर्टिफिकेट लेटर ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा जो मिला होगा आपको सर्टिफिकेट, उसको सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के समय, देन आपको 2 बोनस पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद इसमें एक और बात है, 1 बोनस पॉइंट इफ द स्टूडेंट क्वालिफाइड टू अपियर इन द नेशनल लेवल एग्जाम फॉर द सिलेक्शन फॉर द समर कैंप। जो नेशनल लेवल एग्जाम जो हुआ है फॉर द सिलेक्शन ऑफ समर कैंप के लिए, अगर आप उसमें क्वालिफाइड हुए, आप उसमें अपियर किए हैं, बैठे हैं, आप उसमें क्वालिफाई किए हैं, देन आपको 1 बोनस पॉइंट मिलेगा। एंड उसके लिए जो क्वालिफिकेशन लेटर होगा या ईमेल आ रखा है आपको, उसको सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के समय। यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है कि दोज हु क्वालिफाइड टू अपियर INY इंटरनेशनल ओलंपियाड थ्रू JCU 2016 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द बोनस पॉइंट। जो JCU 2016 के थ्रू जो पास किए हुए हैं ओलंपियाड्स में, देन उनको बोनस पॉइंट्स नहीं मिलेगा। जो बच्चे JCU 2017 से मतलब क्वालिफाइड किए हुए हैं उनको ही वो बस एलिजिबल है बोनस पॉइंट्स के लिए। एक नोट है, आप उसमें ध्यान रखिए। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि आपको किस चीज़ पे दूसरे चीज़ पे बोनस पॉइंट मिलता है। आपको यहाँ पे बोनस पॉइंट मिलने वाला है वो है प्रोकॉन जूनियर प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, जो एक कॉन्टेस्ट होता है उस पर। एंड इसमें आपको कितने कितने पॉइंट्स मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2 बोनस पॉइंट्स फॉर द मेडल विनर्स। जो मेडल विनर्स हैं, जो इस कॉन्टेस्ट में मेडल जीते हुए, कोई भी मेडल, अगर मेडल विनर आप हैं, देन आपको 2 बोनस पॉइंट मिलेगा। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको नीड होगा वो आपको सर्टिफिकेट या लेटर जो ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा दिया गया है उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के समय। दूसरा है कि आपको 1 बोनस पॉइंट फॉर दोज हु गुट सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। जिनको सर्टिफिकेट मिला अचीवमेंट का, देन उसको 1 बोनस पॉइंट मिलेगा। एंड उनको अपना सर्टिफिकेट वही ऑर्गेनाइजर के थ्रू जमा करना पड़ेगा। उसके बाद हम सब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा जो आपका है वो है नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप, जो होता है उसके बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसमें आपको 1 बोनस पॉइंट दिया जाता है अगर आप स्कॉलरशिप में जीतते हैं। जो नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप होता है, अगर आप उसमें जीतते हैं,
देन आपको 1 बोनस पॉइंट मिलता है। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट जो लेटर मिलता है उसको आपको जमा करना पड़ता है। अभी हम सब देख लेते हैं चौथा नंबर जो KVPY होता है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, उसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपने उसमें क्लियर किया है। तो इसमें है कि 1 बोनस पॉइंट इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आपने KVPY को क्वालिफाई किया है देन आपको यहाँ पे 1 बोनस पॉइंट मिलेगा। उसके लिए आपको जो मेरिट की सर्टिफिकेट है जो लेटर मिला हुआ आपको वो सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के समय। उसके बाद 5th नंबर पे है इंस्पायर प्रोग्राम ऑफ DST। तो यहाँ पे 2 बोनस पॉइंट मिलेंगे अगर आपने कोई भी मेडल जीता हुआ है, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, उसमें आपको 2 बोनस पॉइंट मिलेंगे। एंड जो आपको सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा जमा करने के लिए, आपका ऑफिशियल सर्टिफिकेट फॉर द अवार्ड फ्रॉम DST, जो आपको अवार्ड मिला है DST के थ्रू, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा 1 बोनस पॉइंट का भी ऑप्शन है। अगर आप 1 बोनस पॉइंट किसके लिए वो मैं देखता हूँ। 1 बोनस पॉइंट इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ क्वालिफाइड फॉर पार्टिसिपेशन इन द नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन, जो आपका NLEPC है जो है, उसके लिए अगर आपने क्वालिफाइड किया है, अगर पार्टिसिपेट करें आपने उसके लिए क्वालिफाई भी किया है, देन आपको 1 बोनस पॉइंट मिलेगा। अगर मान लीजिए विनर नहीं है, मेडल आपको नहीं मिला लेकिन आपने क्वालिफाई किया, फिर भी आपको 1 बोनस पॉइंट मिलेगा। उसके लिए आपको ऑफिशियल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जो होगा फ्रॉम DST उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद हम सब अगला देख लेते हैं 6 नंबर का इग्नाइट अवार्ड ऑफ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। इसमें आपको 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे इफ़ अ स्टूडेंट इज़ अ रिसिप्ट ऑफ द नेशनल इग्नाइट अवार्ड। अगर आपने पार्टिसिपेट किया नेशनल इग्नाइट अवार्ड में देन आपको 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। उसके लिए आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट फॉर द अवार्ड फ्रॉम NIF, जो आपको अवार्ड मिल रखा है इसमें, उसको सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के समय। तीसरा है IRIS नेशनल साइंस फेयर। इसमें आपको 2 बोनस पॉइंट मिलेगा अगर स्टूडेंट जो है अवार्ड जीता है इसमें, आपका जो साइंस फेयर हो रखा है जो भी, मतलब मान लीजिए ओलंपियाड या एग्जाम टाइप का जो भी, अगर आपको इसमें क्वालिफाई किया है एंड आपको अवार्ड मिला है देन आपको इसमें 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। एंड 1 बोनस पॉइंट इफ़ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल फेयर। अगर आप इसमें जो सेलेक्ट भी हुए हैं, मान लीजिए आपको अवार्ड नहीं मिला लेकिन आप सेलेक्ट हुए हैं इसके लिए, देन आपको 1 बोनस पॉइंट मिलेगा। एंड इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा वो ऑफिशियल सर्टिफिकेट फॉर द अवार्ड फ्रॉम IRIS, जो IRIS के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा अवार्ड का, चाहे जो भी आप क्वालिफाई किए हैं वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, देन आपको ये पॉइंट्स मिल सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम सब स्पोर्ट्स के ऊपर, आपको कितने कितने पॉइंट्स मिलते हैं, कौन सा स्पोर्ट्स होना चाहिए जिस पे आपको ये पॉइंट मिलेंगे। तो इसमें लिखा हुआ इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ रिप्रेजेंटेड अ स्टेट इन नेशनल स्कूल गेम्स ऑर्गेनाइज बाई स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इन अंडर 19 एंड अंडर 17 कैटेगरी। अगर आप अंडर 19 अंडर 17 कैटेगरी में नेशनल अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल स्कूल गेम्स जो होता है जो स्कूल गेम्स के द्वारा फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, अगर आप उसमें खेले में अंडर 19 या अंडर 17 में, देन आपको इसमें बोनस पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद जो नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज बाई द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इन सीनियर जूनियर कैटेगरी, देन आपको इस बोनस पॉइंट के लिए आप एलिजिबल है। अब हम सब देख लेते हैं आपको कितने कितने बोनस पॉइंट इसमें मिलेगा। तो 1 बोनस पॉइंट फॉर द पार्टिसिपेशन और विनिंग अ मेडल। अगर आप नॉर्मल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी किए नेशनल लेवल के अंडर 19 या अंडर 17 के कैटेगरी में, या आप उसमें जीते हैं, देन आपको 1 बोनस पॉइंट मिलेगा। उसके बाद आपको क्या इसमें सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, देन सर्टिफिकेट फॉर द मेडल, जो आपको मेडल मिला है उसका सर्टिफिकेट, या सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इशूड बाई द स्कूल गेम्स। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट किए देन आपको सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और बाई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा, देन आपको पार्टिसिपेशन या अगर आप मेडल जीते हैं उसका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद हम सब आगे देख लेते हैं चेस के बारे में। यहाँ पे चेस के बारे में सेपरेट समझाया गया है कि चेस पे भी आपको कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। तो चेस के बारे में क्या देखते हैं, 2 बोनस पॉइंट्स फॉर दोज हु फाइड FIDE फाइड रेटिंग इज अबव 1800। कुछ FIDE रेटिंग्स होती हैं चेस में, अगर आपको रेटिंग में 1800 अबव है आपका रेटिंग, देन आपको 2 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। उसके लिए आपको जो FIDE ID होता है, तो उसका सेल्फ टेस्टेड प्रिंट आउट फॉर द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रेटेड टूर्नामेंट्स प्लेड एज प्रोवाइडेड बाई FIDE, उसका कुछ प्रिंट आउट निकालना पड़ता है FIDE के द्वारा जो इशू किया जाता है, उनका ऑफिशियल साइट से आपको निकाल के सबमिट करना पड़ता है। अगर आपका रेटिंग 1800 से ऊपर है देन आपको 2 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। और 1 बोनस पॉइंट उसके लिए है जिनका जो ये फाइड रेटिंग है वो 1200 से लेके 1800 के बीच में है, देन आपको 1 बोनस पॉइंट इसमें मिलेंगे। और आपको सेम डॉक्यूमेंट्स होता है FIDE के द्वारा जो इशू किया जाता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, वो आपको डाउनलोड करके उसमें सबमिट करना पड़ेगा। अभी हम सब देख लेते हैं 10th नंबर पे है कल्चर। कल्चर में आपको कैसे बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, देन 1 बोनस पॉइंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव रिसीव्ड स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट्स गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सपोज आप कल्चर में पार्टिसिपेट किए हैं एंड आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप इसके द्वारा आपको सेलेक्ट किया गया, देन आपको 1 बोनस पॉइंट यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों को बहुत सारा हमारा डाउट रहता है कि मान लीजिए हम 1 से 2 में एलिजिबल है, मान लीजिए आपको स्पोर्ट्स भी हैं जिसमें आप नेशनल लेवल पे खेले हुए हैं और चेस में भी खेले हुए हैं, या कोई और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को
फुलफिल कर रहे हैं देन आपको क्या दोनों के बोनस पॉइंट्स आपके ऐड किए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आप किसी में आपको एक बोनस पॉइंट मिल रहा है एंड किसी में आपको टू बोनस पॉइंट मिल रहा है, देन उसमें कोई एक ही बोनस पॉइंट को काउंट किया जाएगा और वो आपको जो मैक्सिमम बोनस पॉइंट होगा उसी को काउंट किया जाएगा। तो अभी हमने देखा IIIT दिल्ली के बोनस पॉइंट्स के बारे में, एंड बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसने मान लीजिए राउंड वन में अपना पार्टिसिपेट कर लिया, उनको बोनस पॉइंट्स के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं कि क्या होता है, उन्होंने बस ऐसे ही पार्टिसिपेट कर लिया अगर वो एलिजिबल है नहीं भी भर पाए। तो आपको अगर सीट ऑल आउट हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सीट ऑल आउट नहीं हो पाया है, चाहे कोई ब्रांच अच्छा नहीं मिल रहा है और अभी आपको पता चला है बोनस पॉइंट्स के बारे में, देन आप राउंड टू के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड आप फिर से वहाँ पे जब आप अपना चॉइस फिलिंग करें, रजिस्ट्रेशन करें, देन जरूर से ज़रूर अपना जो बोनस पॉइंट के लिए जिससे भी आप एलिजिबल हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लें, उसको अपलोड जरूर से ज़रूर करें, क्योंकि इसका आपको फ़ायदा मिलेगा एडमिशन के समय, क्योंकि जेईई मेन की जो रैंक बनती है उस पर तो लिस्ट बनेगी। अगर आपको बोनस पॉइंट नहीं मिले हैं वो विदाउट बोनस पॉइंट बनते हैं, लेकिन अगर आपके कुछ बोनस पॉइंट्स होते हैं देन ऐड करके उसमें कुछ अलग से रैंक लिस्ट निकलती है, जो अलग मेरिट लिस्ट होती है IIIT दिल्ली की विथ बोनस, उसमें आपको जरूर से जरूर फ़ायदा मिलता है। तो मेक श्योर आप डॉक्यूमेंट्स अगर आप एलिजिबल हैं तो डॉक्यूमेंट्स बनाएं, उसे जरूर से यूज़ करें आप अपने बोनस पॉइंट्स का, एंड मेरे हिसाब से आपका जो डाउट्स होगा बोनस पॉइंट को लेकर सारा क्लियर हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।